ठीक है अब ये मैं नहीं कह रही हूँ ये नंबर्स कह रहे हैं आई एम टोटली बोल्ड ओवर डिसअपॉइंटेड ये हंसी जो है ये फ्रस्ट्रेशन वाली हंसी है लिटरली नंबर्स कहीं अटक गए हैं कहाँ रह गए नंबर्स मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई वो क्या रहा है ठीक है नंबर कितना आ गया है शाम को सात बजे तक की आ रही है रिपोर्ट है अभी आठ नहीं बजे पूरे इसलिए अपडेट नहीं हुई है आप अपने हिसाब से देख लेना अपडेट कर लेना मेरे को कत ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ये नंबर्स आपको बताने में बिकॉज देर इज समथिंग लैकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इज इट लैकिंग तो नंबर्स की बात करते हैं शुरुआत करते हैं वीडियो को पूरा देख लेना ठीक है जो भी फ्रस्ट्रेशन है आप भी मेरे साथ हो वी आर इन द सेम बोट आई एम आल्सो इक्वली ऋतिक रोशन फैन एंड आई रियली रियली वॉन्ट दीज हैं क्या नंबर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ सात बजे तक की जो रिपोर्ट आई है ठीक है अभी देखो हम लोग एक्चुअली वेट करते थोड़ा सा और मैं वेट करती कि ताकि जिस ताकि और अपडेट होता तो आता लेकिन जो अपडेशन का रेट चल रहा है ना एक एक घंटे में कुछ एक फ्यू लैक्स कुछ एक फ्यू लैक्स का अपडेट हो रहा है इसलिए मुझे लग रहा था कि अगर इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस चार पांच लाख हो भी गया कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला क्योंकि यार कसम से बता रही हूं मैं आपको फाइटर एक ऐसा पैकेज जो हाथों हाथ बिक जाएगा एग्जिबिटर्स लेकर के बैठे हुए हैं अपने स्क्रीन काउंट शो काउंट्स भैया दुकान खोल लिए आओ यार ऑडियंस प्लीज आओ यार एडवांस बुकिंग तो करो देखो कलेक्शन जो आएगी सो आएगी अब यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं आप इतनी बात जो कर रहे हो भैया एडवांस बुकिंग ही तो है यार कलेक्शन जो आएगी सो आएगी मैं तो कहती हूँ अच्छी कलेक्शन आएगी लेकिन एडवांस बुकिंग से ना एक डिपस्टिक होती है एडवांस बुकिंग उससे पता लग जाता है ऑडियंस का मूड क्या है क्या ऑडियंस ही फिल्म देखने जाएगी क्या थिएटर्स तक उठ के जाने वाली है इतनी जहमत उठाएगी या नहीं कई बार ऐसा भी होता है कि एडवांस बुकिंग भाई कुछ भी आए कलेक्शन टॉप की जाने वाली है लेकिन हम क्यों इतने चिंतित है क्योंकि अभी हम डे वन की बात कर रहे हैं और फाइटर का अभी तक कंटेंट किसी को पता नहीं है सबको ये उम्मीद है कि फिल्म जो है बहुत जबरदस्त होगी इसका जॉनर जॉनर जो है ऐसा है ऐसा एक्शन लेकिन मेरे दिमाग में रह रहे है कि एक ही, एक ही ही जो जवाब यहां से निकल के आता है वो ये है क्या ऑडियंस इतनी सेचुरेट हो चुकी है एक्शन जॉनर से कि एक्शन जॉनर का दी एंड हो चुका है क्या ये एक रीजन हो सकता है कि ऑडियंस को एक्साइटमेंट बनी नहीं रहा यार देखो ऐसा होता है डोमिनो इफेक्ट इफ यू हैव हर्ड ऑफ डोमिनो इफेक्ट जरा ध्यान से सुनना यहां पर

पर सो फिल्म रिलीज है एंड वट एवर आई वॉज आई वॉज ओनली सींग सोली रितिक रोशन जा रहे हैं हर जगह जाकर के कभी चाहे वो इंडियन आइडल का मंच हो चाहे वो कोई और किसी डांस का मंच हो कोई भी जगह हो दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज टाइम्स यू नो एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर जो की जिनका सोशल मीडिया पर कोई इतना पता ही नहीं है सोशल मीडिया का अकाउंट ही नहीं है वो जा जाकर टॉक शोज में बात कर रहे हैं वो जा जाकर इंडियन आइडल में प्रमोशन कर रहे हैं फिल्मों का ये करना होता है और इससे परसेप्शन चेंज होता है दिस इज वेरी ट्रू लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद नहीं हुआ वो वो फिल्म रिलीज से पहले ही किया था उन्होंने और भी कई सारी जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं शाहरुख खान जवान के टाइम पे क्या प्रमोशन हुआ था यार सोचो उस टाइम को पठान के टाइम पे क्या प्रमोशन हुए थे हालांकि इतना ज्यादा नहीं किया था पठान के टाइम पे भी सिद्धार्थ आनंद को कॉन्फिडेंस है मुझे पता है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी इस वक्त मुझे इतनी जो सन्नाटा इतना सन्नाटा क्यों है भाई इस सन्नाटे से डर लग रहा है मुझे ये क्यों है इतनी शांति बनी हुई क्या रीजन हो सकता है फाइटर के का रिस्पांस जो है वो क्या आया होगा मार्केट में मैं कहीं कहीं बहुत फिर नॉमिनल रिपोर्ट सुन रही हूँ फाइटर की और अगर वो है सच में ना तो फिर तो परसेप्शन चेंज होगा डे वन के बाद सेकंड डे छुट्टी है रिपब्लिक डे है परसेप्शन हंड्रेड चेंज होगा लेकिन यार डे वन के रंग में भंग क्यों डाल रहे हो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो कि बिल्कुल लास्ट राउंड में जाके आप लोग प्रमोशन कर रहे हो दीपिका दिपिक्वाइन नाउ ऋतिक रोशन इन द इन द प्रमोशन विच टू मी समेर इज अ डिसमेंट मुझे लग रहा था कि पहले से टीम काफी जाएगी बात करेगी इंटरव्यूज करते हैं लोग फैन से बातचीत करते हैं none of that happened with fighter and that is that is that would be one of the reasons well coming back to the numbers main to gumpir ke numbers pe aa rahi hu wapas se ki kya number aaya hai fighter ka abhi bhi 8 bajne mein 2 3 minute hai तो वो मैं आपको जैसे जब तक मैं conclude करूंगी मैं एक बार आपको refresh करके बता दूंगी लेकिन फिलहाल का number सुन लो हिंदी टू version से 1.47 करोड़ की advance booking है हिंदी वर्जन से 1.47 करोड़ की एडवांस बुकिंग है 56,000 सोल्ड आउट टू हंडीज एवरेज टिकट प्राइस कम एवरेज टिकट प्राइस, की booking, out, प्राइस शोस है बहुत ज्यादा शोज है थर्टी एट पॉइंट सेवन लैक्स की एडवांस बुकिंग है 67, uh,

अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये मुझे पूरी उम्मीद है मुश्किल तो, तो 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 से ये सिर्फ साढ़े चार करोड़ हुआ होगा ओके 1.36 लाख टिकट सोल्ड आउट एंड 10,000 थाउजेंड शोज के मामले में मैंने आपसे कहा था इस फिल्म के पास चौदह हजार शोज होंगे और वो होते हुए लग रहे हैं अब हो जाएंगे ठीक है उतने तो हो ही जाएंगे लेकिन अगर ऑडियंस नहीं होगी तो शोज का क्या करेंगे एग्जिबिटर्स लिटरली मुझे हसीना ही हो वाली है इरिटेशन वाली वॉट इज जस्ट गोइंग ऑन मैन वट इज गोइंग ऑन अभी सोचो ये एडवांस बुकिंग आती है आज जिसका मुझे पूरा ये लग रहा था कि आज के दिन तो आग लगेगी भाई क्या ही हो जाएगा आज के दिन तो पूरा सिनारियो बदल जाएगा एडवांस बुकिंग आज के दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कल तक कि एडवांस बुकिंग होगी एटलीस्ट एटलीस्ट कम से कम हम दस करोड़ तक तो, तो पहुंचेगी बात ठीक है सात आठ करोड़ तक तो बात तो पहुंचेगी फिर डबल डिजिट में ये चौबीस तारीख को पूरा कवरअप कर लेगी यू नो डबल डिजिट से थोड़ा सा आगे ले आएगी और डे डेवन की अगर हम बात करते हैं कहाँ हम बात कर रहे थे पचास करोड़ की कहा हम बात कर रहे थे अस्सी करोड़ आएगा एट्टी करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगी वोअ नहीं सोच सकते चार करोड़ की साढ़े चार करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी है सिर्फ कल का दिन बाकी है अगर कल हद मार के दस करोड़ भी आ गई ना मतलब एडिशनल दस करोड़ टोटल नहीं एडिशनल दस करोड़ भी अगर एडवांस बुकिंग आ गई तो भी चौदह पंद्रह करोड़ में नंबर आएगा और डे वन पर वो भी मैं मतलब बहुत अन वाली बात बोल रही आपसे वो आएगा नहीं और उसके बावजूद भी मुझे जो लग रहा है ना डे वन पे ये 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 तो यार, ये तो यार ओपनिंग वाली देख कर के लग रहा है पच्चीस सत्ताईस करोड़ भी आ गया बहुत बड़ी बात हो जाएगी ट्वेंटी फाइव करोड़ भी बहुत मुश्किल लग रहा है डे वन पे इंडिया रेड कलेक्शन दिस इज आई रियली डोंट नो जो मैं कह रही हूँ ना इट विल बी अ केस स्टडी एक केस स्टडी बनेगी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के ऊपर मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा और मुझे पता नहीं कि भाई के क्या, क्या रीजन क्या है अब यही रीजन मुझे लग रहा है या तो ऑडियंस सैचुरेट हो गई है इतना एक्शन देख देख के लोगों का सर पक गया है और लोग फिर से नहीं देखना चाहते इससे ज्यादा ऑडियंस जो है उससे ज्यादा एक्शन नहीं देखना चाहती इट कुड बी दैट रीजन बट इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज कि भाई इस वजह से जो है एडवांस बुकिंग नहीं चल रही है ऋतिक रोशन है दीपिका है अनिल कपूर है ये रियल एक्शन मूवी है इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज हो रही है एग्जिबिटर्स ने आंखें बंद करके ले लिए होंगे शोज ये तो बिकनी ही बिकनी है बॉस ये तो बिकेगा ही लेकिन क्या रीजन है

मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती अगर ये बहुत अच्छी हो गई होती एडवांस बुकिंग अब तो समय ही निकल चुका है अब बोलने से कुछ नहीं होगा बाकी आपकी क्या राय है इस पर लाइक इन द कमेंट सेक्शन बाकी लाइक दिस वीडियो के लिए थम्स अप डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट ऑल स्टार फैंक्स